तो जितने भी आंगनबाड़ी शिविर का इस तरह का जो है फोटो खिंचाए होंगे तो इसको आप लोग को अपलोड करनी है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग को हर घर तिरंगा कैंपेन चलाई जा रही है और ये ICDS से डायरेक्ट आप लोग को निर्देश है। आप लोग जो है इस लेटर को भी देखे होंगे और बाद बाकी अगर आप लोग इस तरह का फोटो खिंचाए होंगे तो इसको आप लोग को भेजनी है और किस प्रकार से आप लोग को भेजनी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जितने भी आंगनबाड़ी शिविर का अभी नए हैं यानी कि हमारे चैनल में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जो है ऑन कर लेंगे कि किसी भी प्रकार का अगर आप लोग के पास वीडियो है सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए जानते हैं हम लोग जो है हर घर तिरंगा कैंपेन चलाई जा रही है जो आप लोग को जो है बच्चे के ग्रुप के साथ आप लोग को जो है इस तरह का फोटो खिंचा के और किस तरह से जो है आप लोग को अपलोड करनी है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग क्या इसे हम लोग अपलोड करेंगे फोटो, यानी कि जैसे कि देखिए आप लोग के पास कंप्यूटर हो या मोबाइल हो आप लोग आसानी से अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गूगल है, गूगल में जाएंगे या क्रोम है, क्रोम में भी जाके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च करनी है, क्या करनी है जो है हर घर तिरंगा। जैसे कि आप लोग ने सर्टिफिकेट प्राप्त किए होंगे तो इस तरह से जो है हर घर तिरंगा आप लोग ने जो है सर्च मारा होगा और जैसे ही मारेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ से आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो हर घर तिरंगा .com जैसे ही लिखाएगा तो ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ से आप लोग क्या किए थे कि सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में और यहाँ पे जो है ए फ्लैग किए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग देखिए कि जो है इतना जो है फ्लैग जो है इस तरह से जो है डाउनलोड हुआ है यानी कि सर्टिफिकेट और अपलोड जो हुआ है इस तरह से इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका हो या अदर कर्मचारी हो अपने जो है सेल्फ यानी कि सेल्फ फ्लैग जरूर हम लोग डालेंगे। जैसे कि देखिए कि अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए कि अपलोड सेल्फ विथ फ्लैग यानी कि इस तरह से जो है आप लोग को दिया गया है और इतना इतना आदमी ने जो है अपलोड किया है। तो चलिए हम लोग अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुल जाएगी। खुलने के बाद सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है आप लोग को नाम डालनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाम डाल देते हैं, जो भी आप लोग का नाम होगा वो नाम आप लोग जरूर डाल लें। आंगनबाड़ी का हो, आंगनबाड़ी कोड हो, इस तरह से आप लोग डालेंगे या कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी आप लोग यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो है अपलोड फाइल आप लोग को दिया गया है। तो अपलोड फाइल के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ब्राउजिंग पे क्लिक करेंगे। ब्राउजिंग फाइल जो फाइल्स जो दिया गया है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि इस तरह से जो है कुछ आप लोग ने फोटो खींचा होगा तो यहाँ पे शो कर रहा होगा या अभी अभी आप लोग खींचना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कैमरा खोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी अभी आप लोग डायरेक्ट खींच के अपलोड भी कर सकते हैं या आप लोग जो है अगर पहले से खींचे हुए होंगे तो इस तरह से जो है आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को सेलेक्ट हो गई। तो आप लोग को एक भेजना है, दो भेजना है, तीन भेजना है, यहाँ पे आप लोग आसानी से जो है क्लिक करके भेज सकते हैं। यानी कि देखिए कि दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, इस तरह से अगर आप लोग जितना चाहते हैं उतना आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पर देखिए कि डन आप लोग को दिया गया है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि डन करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही डन करेंगे तो देखिए कि इस तरह से जो है मेरा जो फाइल है ये अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए कि इस तरह से 1, 2, 3 यानी कि तीन फाइल आप लोग को जो है अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए कि अगर आप लोग इसको चाहते हैं कि हम लोग और कम कर दें यानी कि इनको हम हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है क्रॉस का साइन दिया गया है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि और भी हटाना है तो यहाँ पर आप लोग क्रॉस फाइल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हट जाएगी। हटने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग को जो है सबमिट मारने के लिए आप लोग को यहाँ पे जो है टिक आउट करनी है यानी कि आप लोग को जो है एग्री करनी है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि आप लोग को सबमिट का जो है हाईलाइटेड ये हो जाएगी इस तरह से, और इस तरह से होगी। और ये डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे सबमिट जैसे ही मारेंगे तो ये जो है आप लोग देखेंगे कि इस तरह से जो है लेवल बढ़ेगी और ये जो है आप लोग देख रहे होंगे जो अपलोड सक्सेसफुल हो गई यानी कि सेंड हो गई है। तो इस तरह से जो है आप लोग को अपलोड कर लेनी है और करने के बाद यहाँ से आप लोग आसानी से बैक हो जाइए और यहाँ देखिए कि आप लोग को स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी हो या अनदर कर्मचारी हो आप लोग ज़रूर अपने आंगनबाड़ी का हो या अपने जो भी कर्मचारी देख रहे हैं वो अपना जो है पहले से जहाँ पे आप लोग झंडा तोलन कर रहे होंगे या आप लोग जो झंडा लगाए होंगे तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से जो है ज़रूर जो है इंडियन फ्लैग जो है अपलोड ज़रूर करें। बाद बाकी आप लोग को जो है कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ज़रूर हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पे कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग को जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।